Welcome back to my channel and आपको मैं कहना राइट गिफ्ट ड्राम एंड बेल्स तो ये पाइल है और कुछ कैंडीज भी है इसके पीछे आप देख सकते हैं तो ये या तो आप कैंडीज से सेलेक्ट कर ले कलर्स से अगर आपको कुछ अट्रैक्टिव या फिर आपका कुछ फेवरेट कलर हो तो या तो आप इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्रिसमस बॉल गिफ्ट्स बेल ड्रम तो जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो तो फिर हम आज के मैसेज देखेंगे क्रिसमस पे आपके लिए क्या बदलाव क्या लेकर आ रहा है क्रिसमस आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ठीक है वो सब हम देखेंगे तो पायल वन टू थ्री एंड फोर तो पायल वन से शुरू करेंगे हम ये बॉल से तो टाइम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं हेलो पायल वन जिन्होंने ये बॉल चूज की है ठीक है तो आपके मैसेजेस देखते हैं ये सीधी नहीं हो पा रही है ठीक है तो तो ये बॉल जो है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो डार्कनेस है क्रिसमस पे ये हम ये क्यों यूज करते हैं चूंकि ये जो डार्कनेस होती है उस दिन की अंधेरा इतना बाहर अंधेरा होता है तो इस उसकी डार्कनेस को ये मिटाने के लिए इन्हें हम लगाते हैं ठीक है लाइट्स के लिए ठीक है एज अ लाइट तो कहीं ना कहीं आपने ये बॉल चूज की है ठीक है तो आपके ही आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं लाइट्स आने वाली है अगर आपके लाइफ में अब तक कुछ डार्कनेस था अंधेरा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या करना चाहिए तो अब ये लाइट आपके लाइफ में आने वाली है ठीक है और चलिए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ क्या मैसेज है प्रोटेक्शन आया है आपके लिए स्ट्रॉग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम तो आपके घर के लिए आपकी फैमिली के लिए और आपके घर के लिए होम के लिए चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ उसको ठीक है तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक आपके लिए काम करने वाला है क्रिसमस आपके लिए भी आपके फैमिली के लिए भी आपके घर के लिए भी ठीक है सब सलामत रहे इसलिए प्रोटेक्शन शील कह सकते हैं आपकी फैमिली को ये क्रिसमस देगा राइट और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैप्पी लव जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड तो हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में जो भी गुड फ्रेंड्स हो आपके आप उनके साथ इस क्रिसमस पे इंजॉय करोगे ठीक है या फिर हो सकता है आप उसे काफी लोग अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करें ये क्रिसमस और यहाँ पे हैप्पी लव की बात कही ये जॉयफुल एंड स्टेबल पार्टनरशिप ठीक है तो हम यहाँ सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड है और सिर्फ पार्टनर की बात कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हो सकता है फैमिली के साथ आप में से काफी लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हो अपना क्रिसमस ठीक है Christmas, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लव आपका फैमिली के साथ पार्टनर के साथ या तो फ्रेंड्स के साथ इस क्रिसमस पे आपका बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है ठीक है और आपकी फैमिली को आपके घर को और आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलने वाली है इस क्रिसमस पे ठीक है इसमें भी कुछ मैसेज है तो हम इसे देख लेते हैं ठीक है इन्हें साइड से देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है इसमें ओके okay. इन्हें किनारे कर देते हैं बॉल्स को लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है ओ oh, गॉट oh यहाँ पे मैजिक का वर्ड आया एंड अगेन मैजिक राइट ओके okay, मैसेज आपके लिए ये है यू आर समथिंग मैजिकल तो ये आपके लिए मैसेज आया है एक हूं यू आर समथिंग मैजिकल तो इस क्रिसमस पे आपके लिए ये है क्रिसमस पे ये दिन हम जीसस को याद करके मनाते हैं उनके सैक्रिफाइस को याद करते हुए और तो कहीं ना कहीं जीसस आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप हैं वो बहुत मैजिकल हो ठीक है और आप हो जो अपने लाइफ को सवार सकते हो और अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस आप खुद आपके हाथ में सब कुछ जैसे कि हम कहते ही हैं कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में हमारी डिसीजन हमारे हाथ में है चॉइसेस भी हमारे हाथ में कि हमें अपनी खुशियां चुनना है या दुख को चुनना है ठीक है ये भी हमारे हाथ में है तो कहीं ना कहीं वही बात आपसे कही जा रही है कि आप जो हो आप जो भी पर्सन हो जो भी पायल चूज किया है आप सब बहुत मैजिकल हो ठीक है आप सब में मैजिक है कुछ लोग होते हैं जो पहचान जाते हैं वो मैजिक को और उसको अच्छी जगह अच्छी तरह भी कह सकते हैं अच्छी जगह भी यूज करते हैं और कुछ लोग अभी भी अपने उस मैजिक को नहीं पहचान पाए हैं ठीक है तो उनको अभी ढूंढने और समझने की जरूरत है देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं ओके okay. तो मुझे लगता है कि आपको किसी चीज का बहुत एडिक्शन होने वाला है ठीक है तो क्रिसमस आपके लिए एडिक्शन लेके आ रहा है चलिए कोई बात नहीं और जजमेंट तो आपको कुछ हो सकता है कि कुछ न्यू आपको कुछ सुनने को मिले कुछ न्यू खबर कोई और न्यूज आपको या कोई अनाउंसमेंट होने वाली हो आपके लिए ठीक है आपको कुछ सुनने को मिलने वाला हो जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए तो कुछ अच्छी खबर भी हो सकती है कुछ बुरी खबर भी हो सकती है पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव न्यूज ही मिलेगी और जैसा कि हमें पता भी है कि हमारे बॉन्ड मैजिक ये जो क्रिसमस है ये क्रिसमस में हमारे आपके बॉन्ड सबके स्ट्रांग हो रहे हैं और फैमिली को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा आपको सुनने को मिले चूंकि हम यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड में कैसे सन है राइट तो ये चीजें जो होती हैं छोटी छोटी डिटेल वो कहीं ना कहीं हमें चीजें बताती हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉक भी है तो जो हम जानते हैं ना मॉर्निंग में जो होता है कुकुरकुर का का काम है उसका उठाने का जगाने का ठीक है तो कहीं ना कहीं इस तरह से आ, अब लाइफ में जगने का समय आ गया है या फिर इसी तरह कुछ अनाउंसमेंट होगी जैसे वो अनाउंस करता है ठीक है अपनी आवाज से आप लोग को उठाता है हमें उठाता है तो आ, उसी तरह कुछ अनाउंस होगा आपके लिए एंड यहाँ पे जिस तरह सन का है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है ठीक है जजमेंट होगा और जजमेंट वो होता है जो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होता है वो यूनिवर्स डिवाइन के हाथ में होता है और वो जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं तो आपके लिए कुछ जजमेंट होगा लाइफ में हो सकता है क्रिसमस ट्वेंटी फाइव के बाद आप अपने लाइफ में कुछ तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जजमेंट या फिर कुछ सुनने को मिले या फिर हो सकता है कुछ नए चेंजेस देखने को मिले तो ये हो सकता है डेवल तो डेवल का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए राइट आ, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिर्फ क्रिसमस अच्छा ही अच्छा होता है एक्चुअली इसमें बहुत जहां लाइट है वहां डार्कनेस भी है तो कहीं ना कहीं आपकी कार्ड में भी ऐसा कुछ है आपके पाइल में लाइट है तो डार्कनेस भी है और ये जो लाइट है आपके लाइफ जो आपने ये चूज किया है कहीं ना कहीं ये इस डार्कनेस को भी हटा देगी एंड इसीलिए आपके लिए ये ये मैसेज भी आया है आप फिर से पढ़ सकते हो यू आर समथिंग मैजिकल तो ये मुझे लगता है आपको पहली बात तो बताया जा रहा है कि यू आर समथिंग मैजिकल जो जो कि आपको पता ही नहीं है ठीक है और दूसरी बात शायद आप ये जान जाओ इसलिए भी ये कार्ड आया है द डेवल का कार्ड तो यही कहेंगे कि यहाँ पे द डेवल का कार्ड आया है तो कुछ प्रॉब्लम आपके लिए ला सकता है लाइक like, uh, कुछ एडिक्शन से रिलेटेड होगा हो सकता है कोई आपको कोई किसी चीज का एडिक्शन हो क्यों लोगों का लोगों को फोन का एडिक्शन नहीं होता ठीक है तो ये कहीं ना कहीं एडिक्शन आपको uh, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी चीज का फोन का एडिक्शन होगा कुछ लोगों को कह सकते हैं कि आ, अपने पर्सन का एडिक्शन होता है ठीक है किसी किसी के कि, किसी पर्सन का एडिक्शन हो जाना और चैटिंग का या फिर उनको आ, कह सकते हैं कि अप्रिशिएशन का आ, ये कुछ कुछ एडिक्शन अच्छे भी होते हैं लाइक like, अप्रिशिएशन तो उनको अच्छा लगता है कोई तारीफ करे तो वो अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं ठीक है तो ये कहीं ना कहीं खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं ये हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है तो किसी भी चीज का एडिक्शन बट किसी भी चीज़ का एडिक्शन हम जानते हैं अच्छा नहीं होता कोई भी चीज़ हो वो लिमिट में होनी चाहिए ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा अपने एडिक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है और लाइफ को बैलेंस करने की और सबसे ज्यादा तो मैं कह सकती हूँ कि हम में से सबको सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं भी सब फ़ोन का एडिक्शन जिसको इतनी बुरी तरीके से है लोगों को उससे उससे बच पाना तो बहुत मुश्किल है ठीक है तो वही बात है कि हमें थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है कहीं ना कहीं तो हो सकता है यहाँ पे मुझे अब फोन याद भी आ रहा है और फ़ोन बार बार मेरे मुंह से निकल भी रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मोस्टली लोगों के लिए फ़ोन से रिलेटेड ही है और उनकी लाइफ में फ़ोन का एडिक्शन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फिलहाल तो तो थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको राइट एंड जजमेंट तो आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है इन फ्यूचर ठीक है और देख लेते हैं आपके लिए क्या खास आने वाला है चलिए क्यों ना एक कार्ड और देख लेते हैं न जाने क्यों ऐसा मन किया कि एक कार्ड क्यों ना एक कार्ड और सही तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा एक कार्ड और मैजिशियन वो ठीक है हम जानते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ समथिंग मैजिकल हो तो यहाँ मैजिशियन भी आ गया है आपके लिए ये मेरे मन से पता नहीं क्यों आ रहा था कि एक का और एक का और इसमें कुछ तो है ठीक है तो इसमें कुछ तो है मैजिशियन बताना चाहता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो सारी पावर्स और आपकी जो माइंड आपका चलता है ना और आपकी जो सोल पावर है आपका जो आपके अंदर जो माइंड पावर है गॉड ने आपको सब दे रखा है आपको सोल पावर दे रखी है माइंड पावर दे रखी है और हार्ट जो इतना प्यारा कह है सकते हैं हार्ट दे रखा है आपको तो जो लव इतना पावरफुल कह सकते हैं हमारे पास टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में और सबका दिल जीत सकते हैं तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया बस हम ही है जो उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मैजिशियन हो ठीक है हो सकता है आप लोग जो देख रहे हो आप लोग बहुत कैपेबल हो और कुछ लोग तो जानते भी होंगे समझ गए होंगे अपनी पावर्स को और कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको जानने की जरूरत है इसलिए बार बार कार्ड आ रहा है और अब मुझे लगता है यहाँ पे काफी लोग इस तरीके के जो नहीं जानते हैं अभी जा, तभी आपके लिए आया भी है मैसेज की यू आर द मैजिकल एंड यहाँ पे भी आया है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम और यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी है तो मैजिक मैजिक कुछ ज्यादा ही हो रहा है और लगता है इस क्रिसमस पे काफी मैजिक होने वाला है और ये क्रिसमस चाहता है कि आपको आपकी जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है सेल्फ वर्थ है वो पता चले ठीक है आपके अंदर क्या है आप खुद ब खुद एक मैजिक हो ठीक है आप एक जादू हो और उसको समझो पहचानो ये बात कही जा रही है तो आप मैजिशियन हो और आप दुनिया की हर चीज कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो सामने वाले लोग कर सकते हैं इधर उधर के लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते बात ये है ना आप भी वो सब कर सकते हो लेकिन अब अब आपका मन जैसा भी हो जैसे कि मैजी मैजिशियन है इनका भी कुछ ट्रिक होगा जो सबसे बेस्ट होता होगा इनको जो सबसे बेस्ट आता होगा ठीक है जिनके लिए जाने जाते होंगे तो आप भी किसी आप में भी कोई चीज बहुत बेस्ट होगी जिसके लिए आप जाने जाते हो ठीक है फिर जाने जा सकते हो ठीक है अभी तक हो सकता है आपको वो चीज पता ही नहीं चले कि आप में क्या खास है ठीक है तो ये भी आपको पता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने अंदर चलिए तो आपके लिए मैसेज था अब हम इसमें से कुछ देख लेते हैं बुक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो भी है कहीं ना कहीं आपके लिए ये करियर की तरफ इशारा कर रहा है या फिर हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है बुक बुक आप अपने आप से कह, कैसे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में उसका क्या रोल है वो आप ज्यादा बेहतर समझ रहे हो कि आप अभी आप जॉब कर रहे हो या फिर आप, आप स्टूडेंट हो पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ टी, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये बुक आपको कोई ना कोई आ, हिंट दे रहा होगा और कुछ ना कुछ आंसर दे रहा होगा सोल्यूशन दे रहा होगा तो ये बुक कुछ है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई बिग रोल प्ले करता है आपके लिए और भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या है खास जो चीजें आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है और ये जो बातें आ रही हैं हो सकता है काफी लोग की करियर में आ रही हो स्टडीज में आ रही हो जो बच्चे को लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे या फिर हमसे नहीं हो पाएगा टफ लग रहा हो कोई चीज तो ये बात है कि आप करियर में मेहनत कीजिए चूंकि आप कर सकते हो एंड यहाँ पे ये आया है ये बता रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है ठीक है आपकी कोई जो विश है हो सकता है आप मांग रहे हो वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है तो ये थे आपके मैसेज एंड कार्ड हम लोग ने कैंडी में से भी देख लिए हैं कि क्या मैसेज आए हैं एंड सी तो चलिए तो ये थे आपके मैसेज अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा ठीक है और आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर क्योंकि मैं आप में से किसी एक को चुनने वाली हूँ फ्री रीडिंग के लिए ठीक है तो आप लोग अपना नाम जरूर लिखिएगा जैसे कि मैं नाम से किसी एक का नाम लेके आपको बता सकूं कि कौन ये फ्री रीडिंग जीतता है और मैं ये पोस्ट डाल दूंगी उसका नाम मैं डाल दूंगी पोस्ट में आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा वो ठीक है तो ये थी आपकी रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो कि मैंने कहा है आपको ठीक है और थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट पाल की तरफ चलते हैं ठीक है हेलो पायल टू जिन्होंने ये सेकंड पायल चूज की थी गिफ्ट तो देखते हैं आपके लिए क्या तोहफे आने वाले हैं लेकिन आपने अगर ये चूज किया है तो ज़रूर आप किसी से कुछ शेयर करने वाले हो या आपसे लोग भी शेयर करने वाले हैं तो गिफ्ट ऐसी चीजें तो हो सकता है आपको कोई नया गिफ्ट मिलने वाला है कुछ प्रेजेंट मिलने वाला है ठीक है या तो हो सकता है आप सी से कुछ शेयर करना चाहते हो किसी को गिफ्ट देना चाहते हो ये ऐसा कुछ होने वाला है तो गिफ्ट का कहीं ना कहीं बट ये आपने चूज किया तो आपके लिए मुझे लगता है कुछ गिफ्ट कुछ प्रेजेंट आ रहा है लाइफ में ठीक है क्रिसमस पे आपको हो सकता है कुछ प्रेजेंट मिले ठीक है कभी हो सकता है थोड़ा सा और मतलब नॉट ओनली ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन हो ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट आपको आपको प्रेजेंट इस क्रिसमस पे मिलने वाला है राइट और चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है प्रोस्पैरिटी अ प्रोस्परस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस तो कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हो अभी लाइफ में पर मैं आपसे दिखा दू आपको आप भी रीड कर लो ठीक है तो जो भी आप अभी लाइफ में कर रहे हो कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रोस्पैरिटी मिलने वाली है अगर बिजनेस भी हो सकता है कोई जॉब कर रहे हो आप या फिर ढूंढ भी रहे हो कोई जॉब तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है कोई एग्जाम दे रहे हैं आप स्टूडेंट uh, है अभी आप तो कुछ भी है बट आपको यहाँ पे एक बात कह दी जा रही है मैरी क्रिसमस ठीक है ये जो क्रिसमस है वो आपके लिए सक्सेस uh, ला रहा है ठीक है लाइफ में और देख लेते हैं आपके लिए क्या है फेलिक्स एंड फ्लिटियस तो पावर सिंबल टू क्रिएट लकी वेंडिटी पीटर्स इवेंट तो कह सकते हैं कि आपके लिए सक्सेस भी आ रहा है प्लस लक भी आ रहा है ठीक है लक प्लस सक्सेस है आपके लाइफ में लक प्लस सक्सेस आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा आई एम सो हैप्पी जिन्होंने ये गिफ्ट वाला चूज किया है और मुझे नहीं पता था लक और सक्सेस साथ में आपके लाइफ में आ रहे हैं और इसमें क्या है सच में मुझे नहीं पता है चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें एक्चुअली आपके लिए क्या गिफ्ट है इसमें भी क्या मैसेज है आपके लिए इसके अंदर ओके okay. तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या मैसेज है आपके लिए ओके ओके वहीं ओपन हो गया था तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ ओके okay, देख लीजिए अपना मैसेज क्या है यू क्रिएट योर ओन डेस्टनी तो आप में इतनी काबिलियत है और आप अपनी डेस्टनी खुद ही बनाओगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि वाह व्हाट अ मैसेज मतलब यहाँ पे लक सक्सेस और आपकी डेस्टिनी की भी बात हो गई यहाँ पर तो आप जो चाहते हो वो आपको सब मिलेगा और अपनी डेस्टिनी आप खुद अपने हाथों से लिखने वाले हो और यहाँ पे जो आपका लक है सक्सेस है वो आपकी हेल्प करेगा आप जो भी चाहते हो उसे आपको पाने में तो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए और ऐसा लग रहा है कि कुछ सच में गिफ्ट मिलने वाला आपको क्या है कार्ड्स के की छूप देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए वेल इतने प्यारे मैसेजेस आए हैं The Emperor, the magician judgment. Okay. Again, one more. The completed word. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसका रिवार्ड अभी आपको मिलना बाकी है ठीक है तो ये कहीं ना कहीं जो आया है कार्ड आपके लिए यहाँ पे प्रोस्पैरिटी एंड लक का तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने कुछ काम किया है जिसका रिवार्ड आपको भी मिलना बाकी है और वो ही आपको मिलेगा या फिर हो सकता है कि अभी आपकी एक साइकिल कंप्लीटेड वर्ल्ड है आया है यहाँ पे तो हम जानते हैं वर्ल्ड का कार्ड कैसे होता है और तो कह सकते उसे भी देखते हुए कि अभी आपका हो सकता है एक समय या फिर शुरू होने वाला अभी तक आपका समय नहीं शुरू हुआ था बट हो सकता है अब आपका समय शुरू होने वाला है और वो बहुत बेहतरीन होने वाला है कहीं कही ना कहीं जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत अच्छा जैसे कि हमने देखा भी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में और यहाँ पे है द एम्प्र ठीक है तो ये एक अच्छी पोस्ट दिखाती है एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है तो मुझे लगता है आप में से काफी लोग जॉब अगर जो लोग जॉब देख रहे हैं जॉब के लिए तो उनको लगता है बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है ठीक है या हायर जॉब आप इस पर्सन को देख सकते हैं ठीक है थीके? कैसे थ्रोन पे बैठे हैं और जो ये भी कह सकते हैं कि आप में से आप लोगों ने काफी अपने अंदर अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा कि आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज है ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये हाई पोस्ट डिजर्व करते हो और ये जो डेस्टिनी आया है ये लक आया है सक्सेस आया है तो आप में कहीं ना कहीं काबिलियत है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी आया है ठीक है तो ये आपको कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि आप मैजिशियन हो और आप में सारी काबिलियत है और तो आपको ये मिलके रहेगा जो भी आप चाहते हो ठीक है ये आपको मिलके ही रहेगा तो यही बात कही जा रही है तो आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज है क्रिसमस पे कि आपकी काबिलियत की बात की जा रही है आपके लक की बात की जा रही है आपके सक्सेस की बात की जा रही है और आपकी डेस्टिनी की बात की जा रही है यहाँ पे तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें सिर्फ आप पे निर्भर करती है कि आप क्या फैसला लेते हो चूंकि आप में काबिलियत है आप में वो क्वालिटीज़ है लीडरशिप की ठीक है और आपका लक भी अच्छा है और आप आगे सक्सेस भी हो सकते हो देख सकते हो सक्सेस अपने लाइफ में और यहाँ पे आया भी मैसेज आपके लिए कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे खुद बनाओगे तो ये सब कुछ आपके हाथ में अब आप क्या चुनते हो ये भी आपके हाथ में ही है कि आप क्या इस चीजों को लेना चाहते हो और इस पे चलना चाहते हो कि आपको ये लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है तो ये आप पे निर्भर करता है क्योंकि बहुत लोग होते हैं मैंने एक दो लोग के कमेंट पढ़े हैं लिख देते हैं एकदम रॉन्ग तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो इट्स ऑल ऑन यू तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कार्ड आया है और मैं आपको फिर से एक बार विश करना चाहूँगी मैरी क्रिसमस क्योंकि आपके कार्ड इतने प्यारे आए हैं इतने प्यारे आए हैं और सच में आपको विश करना ही चाहिए मैरी क्रिसमस ठीक है बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए इस क्रिसमस पर चलिए नेक्स्ट पार की तरफ चलते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक मिनट रुक जाइए पहले पूरी बात सुनिएगा अभी जाइएगा नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम आप लिखिएगा अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हो तो क्योंकि मैं उसमें से एक नाम पिक करूंगी और उसको पोस्ट में डालूंगी उसका जो जीतता है ये फ्री रीडिंग तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसका पोस्ट उसका नाम डालूंगी और वो एक पर्सन होगा कोई तो आप अपना अगर आप चाहते हो फ्री रीडिंग तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ठीक है ये थी बात जो जरूरी थी ज्यादा और चलिए ठीक है और बाकी आपको जो रीडिंग अगर जैसी भी लगी उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है और थैंक यू फॉर वाचिंग अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब आई चैनल थैंक यू हलो पालत्री ट्राम इतना ब्यूटीफुल है इतना स्मॉल बहुत क्यूट है ये जो ड्रम है बहुत क्यूट है और ये ये बताता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी इवेंट होने वाला है या फिर बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लाइफ में आपको सुनने को मिल सकती है ठीक है वा तो चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज ड्रैगन फ्लाई यू ब्रिंग लाइक टू दिस वर्ल्ड तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हो आपको लग रहा हो कि मैं इस लाइफ में हुई क्यों ठीक है क्योंकि कभी कभी सोचते हैं मैंने अपने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है बट मुझे अभी तक लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना कुछ सहा अभी भी मेरी लाइफ नॉट ट्रैक पे नहीं चल रही मतलब बस चल रही है ट्रैक पे नहीं है अपने क्या करना है आगे नहीं पता है मुझे बट आपका आंसर यहाँ पे है आपके लिए चूंकि यू ब्रिंक लाइट टू दिस वर्ल्ड ठीक है तो आप यहाँ पे लाइट फैलाने ही आए हो जि, जिस जिस पर्सन की लाइफ बहुत डार्कनेस में गुजरी हो तो वो लाइट ही पहुंचाने आता है क्योंकि उसे पता है कि लाइट की क्या वैल्यू है राइट right? जिसकी भी लाइफ uh, डार्कनेस में हो तो जो जो जिनका चाइल्डहुड या अभी भी उनकी लाइफ में अगर डार्कनेस चल रहा हो वो इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे ठीक है उन्हें लाइट की वैल्यू अच्छे से पता होगी वाओ तो लाइट की बात तो आ गई यहाँ पे आया है टाइम टू शाइन क्रिएट द एनर्जेटिक रेजनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तो मैंने कहा कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा आपको न्यूज सुनने को मिल सकती है एंड दिस इज अ लाइक गोल्डन गोल्डन दिट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही कुछ तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही है और अब आपको शाइन करने का मौका मिल रहा है अगर अभी तक आप शाइन नहीं किए हो अभी तक आपने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया अपने लाइफ में जिसपे जो आप प्राउडली बता सको सबको और लोग आपको देख के ऐसे रह जाए कि वाह क्या काम किया है तो अब टाइम आ चुका है कि आप शाइन करो चलिए देख लेते हैं आपकी कैंडी में क्या है क्या मैसेज है आपकी कैंडी में ओके okay. चलिए देख लेते हैं ओके okay. तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपके लिए है लीव मोर वरी लेस जिए अपनी लाइफ को और परेशान कम हो मुझे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बट आप आपके लिए ही ये मैसेज आया है कि आप जिए अपनी लाइफ और वरी थोड़ा कम हो ठीक है और चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड से भी पहले हम इन्हें साइड कर देते हैं ठीक है मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए था इन्हें इसे साइड में ही निकालना चाहिए था बट कोई बात नहीं इतना तो आप कॉप कर सकते हैं मेरे साथ थोड़ा सा बस इसे साइड कर दूँ मैं चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं कितने कार्ड्स निकालते हैं पहले तो हम ये थ्री कार्ड्स देखते हैं कि क्या है हैंगमैन ठीक है नेक्स्ट जस्टिस द डेवल हम्म हम्मल तो मुझे ऐसा तो लग रहा है कि अब आगे अभी आपकी जिंदगी बहुत रुकी हुई है ठीक है हैंगमैन आया जैसे पता चल रहा है कि रुकी सी हुई है एकदम शांत है रुकी हुई है कुछ नहीं हो रहा है कुछ स्पाइस चाहिए लाइफ में ठीक है वैसे ही और उल्टी लटकी हुई है मतलब मतलब आप जैसे चाहते हो उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा ला आपके लाइफ में उल्टी ही चल रही है आप जो चाह रहे हो उससे उल्टा ही हो रहा है तो जो हैंग मतलब आप कर रहे हैं उल्टा ही हैंग करते हैं जस्टिस बट जस्टिस का कार्ड आया मैं एक और कार्ड आपके लिए निकालूंगी पहले हम ये तीन कार्ड देख लेते हैं क्या है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है तो कहीं ना कहीं अभी तक आपको जैसे मैंने कहा कि जस्टिस नहीं मिला है आपने एफर्ट्स किए बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है तो अब आगे आए टाइम आपका शाइन करने का राइट तो अब आपको जस्टिस मिलेगा और आप जो भी एफर्ट्स करोगे उसके आपको फल मिलेंगे तो आप मेहनत जरूर कीजिएगा ठीक है जहां तक बात डेवलप की है तो जब आप मेहनत करोगे तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपके काम में रुकावट डालेंगी क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें रुकावटें आती ही हैं ठीक है ठीके? और जो जब हम सही काम करते हैं और अपने लिए अच्छा होता है उसमें काफी रुकावटें आती है बहुत आपको चीजें रोकेंगी और सबसे पहले तो आपका डेवल कह सकते हैं अभी इस टाइम आपका डेवल आपका फोन है जो सबसे बड़ी रुकावट है आपको आगे बढ़ने में रोकता है ठीक है तो इस माना कि इसके अच्छे यूजर्स तो है ही है बट कहीं ना कहीं इसके बुरे यूजेस भी एक्चुअली एडवांटेज से ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं ठीक है थीके? तो आप थोड़ा संभल के रहें और ये डेवल से थोड़ा फीचर चुराएं और अपनी ही मेहनत पे ध्यान दें जो भी आप करना चाहते हो पाना चाहते हो उसके लिए आप लग जाओ और डेवल ये भी हो सकता है कि कुछ काम आपको रोकने के लिए कुछ लोग कोशिश करें आपके आपके काम में बीच में वो डालें प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स लाए बट क्या है कि आपको अगर मन में ठान लिया मुझे ही करना ही करना है तो आप वो करके रहोगे क्योंकि शाइन करने का आपका समय आ चुका है तो और जस्टिस का कार्ड भी आया है, मतलब आप जो भी करोगे आपको उस हिसाब से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो आप उसकी आप चिंता मत करो चलिए एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है दमुन तो मैंने कहा कहाँ पे डेवल भी आ गया है और मून भी आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि आपको इन्फ्लुएंस चीजें करेंगी ठीक है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी अच्छी भी और बुरी भी हो सकती हैं तो डेवल है तो, तो यहाँ पे बुरी भी हम देख जान के चलेंगे और अच्छी भी है अच्छी भी हम सोच के देखेंगे दोनों एस्पेक्ट हम बात करेंगे ठीक है तो क्या है कि अच्छी चीजें भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके काम में और बुरी चीजें भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं बट ये आपका कहीं ना कहीं इनर वर्क पे ध्यान कह सकते वर्क पे बात करना हो सकता है कि उस पर ध्यान फोकस उस पर डाल डाल सकती हूँ मैं यहाँ पे भी कि अगर आपने अपना इनर वर्क कर लिया है काफी हद तक अगर आपने कर रखा है तो बुरी चीजों से भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और अच्छी चीजों को भी आप स्मूथली ले लोगे ठीक है नहीं तो अगर आप अच्छी चीजों में बहुत खुश होने वालों में से हो और बुरी चीजों में बहुत दुखी हो जाने में से हो तो ये चीज आपको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है ठीक है तो कुछ चीज़ें होते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं तो जी उनको चीज़ें बहुत बहुत अफेक्ट करती है तो आप मुझे भी बताइएगा क्या आप सेंसिटिव हो ठीक है जो मैं हूं तो मैं चीज़ें अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा ही जो सेंसिटिव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो बहुत खुश होते हैं और जब बहुत कुछ प्रॉब्लम या फिर दुख आता है तो बहुत बहुत दुखी चले जाते हैं मतलब एकदम समझ लीजिए डिप्रेशन के करीब टाइप इस ट इस तरह की हालत होती है उनकी तो ये चीज़ें जो होती है मून का काम ही है इन्फ्लुएंस करना ठीक है चीजों में बदलाव लाना तो मतलब बदलाव नहीं लाता है ये ये क्या कहता है जो भी आपकी एनर्जी है उसको हाई करता है बस अगर आप खुश हो तो उसको हाई कर देगा अगर आप दुखी हो तो उसको हाई कर देगा तो बस ये हाई करती है जो भी चीज होती है आपकी जो भी इमोशन चल रहा हो तो उसको हाई कर देता है ये इसका काम है इन्फ्लुएंस करना तो यही कह सकते हैं अगर आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो तो ये आपको अच्छे के लिए करेगा और आपको मोटिवेट करेगा लेकिन अगर आप गलत चल रहे हो तो ये गलत के लिए आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है तो ये आप पे डिपेंड इस यहाँ भी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चुन रहे हो ठीक है सब आपकी च्वाइस और आपके पसंद नापसंद सब कुछ उन, उन सब चीजों पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या डायरेक्शन चुनते हो और आपकी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आपको ठीक है द तो एडिक्शन भी दिखाता है तो आपको किस चीज का एडिक्शन है राइट right? तो ये थी आपकी रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइएगा जो कि मैं फ्री रीडिंग किसी एक को देने वाली हूँ और आप अपने नाम लिखेंगे अगर आपको चाहिए तो ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्री रीडिंग में तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो उसमें से आपके जितने भी नाम होंगे उसमें से कोई एक नाम मैं चूज करूंगी और उसे कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगी ठीक है तो वो लकी पर्सन आप भी हो सकते हो तो प्लीज़ आप ये मौका ना छोड़ें क्योंकि आपका तो टाइम ही आ, आ गया है शाइन करने का ठीक है तो चलिए मौका मत छोड़िएगा एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा हो सकता है कि आपका ये नाम निकला अगर आप चाहते हो तो ठीक तो ये थी रेडिंग रीडिंग तो थैंक यू सो मच नेक्स्ट पाल के तक चलते हैं वेट आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज ऑन है चलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना आज क्रिसमस को लेकर कि सी टाइम टू शाइन का मतलब यही था तो कुछ पैसे आने वाले हैं आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है एंड ओके okay, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं ठीक है बहुत येलो एनर्जी है तो कह सकते हैं कि आपके कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे यहाँ पे लॉक है एंड की है तो कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं कुछ चीजों के आंसर्स आपको मिलने वाले एंड यहाँ पे बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा आपको आने मिलने वाला है किस क्रिसमस पे तो अब आप जा सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो पायल फोर ये बेल। तो आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में बहुत जल्द ठीक है जिन्होंने ये बेल चूज किया है बहुत प्यारी सी है और चलिए देखते हैं कि अब क्या मैसेजेस है आपके लिए क्रिसमस पर लव चार तो आपके लिए कोई लव आने वाला है शायद अट्रैक्ट अ लवर सोलमेट और अ लाइफ पार्टनर तो जिन्होंने ये चूज किया है तो आपके लाइफ में कोई प्यार आने वाला है प्यार सा पर्सन आने वाला है कोई लव आने वाला है तो ये तो एक अच्छी और प्यारी न्यूज है मिस्टिक स्टार इन इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप तो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है किसी से आपकी या फिर है ऑलरेडी आप उनसे मिलो और ये हो सकता है कि अभी तक आप में से काफी लोग दूर दूर थे देखिए यहाँ फ्रेंडशिप तो हर रिलेशनशिप में होता है ठीक है चाहे आपके आपके पार्टनर से हो चाहे फ्रेंड से हो चाहे फैमिली में हो किसी मेंबर से हो ठीक है किसी भी मेंबर से फ्रेंडशिप तो होती ही है एक ठीक है तो हो सकता है कि अब वो जो फ्रेंडशिप किसी से भी आपकी अगर अनबन चल रही थी तो उसमें एक पीस आने वाला है हारमोनी आने वाली है और घर में भी शांति आपके आने वाली है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार आने वाला है ठीक है अगर नहीं था तो और लव चार इस, इसका मतलब ये नहीं जरूरी है कि जो रिलेशनशिप में उनका क्या ठीक है चलिए जो लोग तो सिंगल समझ लिया प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ पार्टनर और उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है जो सेपरेशन में है वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं बट क्या है और जो लोग पहले से ही साथ में है उनका क्या हाँ तो ऐसा लग रहा है कि जब प्यार की इतनी अच्छी हवा चल रही है इतनी तेज हवा चलने वाली है प्यार भरी तो कहीं ना कहीं आपका भी बॉन्ड स्ट्रांग होगा ठीक है आप भी अपने बॉन्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे तो ये मैरी क्रिसमस में आपके लिए है क्रिसमस आपके लिए इतनी प्यारी चीजें ला रहा है इसमें भी एक मैसेज है जो हम देखने वाले हैं इसे ओपन करते हैं और मैंने एक गलती की थी जो यहां पे मैंने निकाल दिया था बट अब मैं यहाँ नहीं निकालूंगी मैं इसको साइड में निकालूंगी तो यही देख लेते हैं कि क्या है इसमें ओके okay. वैसे इसमें कुछ ज्यादा था भी नहीं बट कोई बात नहीं चलिए आपके स्क्रोल देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यू ग्लो लाइक द मून तो कहीं ना कहीं आप मून की तरह चमकने वाले हो और डार्कनेस को बाय बाय कहने वाले हो और मुझे लगता है कि आपने भी अपने लाइफ में डार्कनेस देखी है ठीक है तो वो लाइट का महत्व आप समझते हो और आप लोगों की लाइफ में मुझे लगता है रोशनी लाने वाले जैसे मून रात में हमें हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं मून का काम ही है दूसरों की मदद करना तो मुझे लगता है आप ऐसा कुछ करने वाले हो जो दूसरों की लाइफ में हेल्प होगा और हो सकता है आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम में हो ठीक है चकी लव चाम भी आया है और ये सब चीजें भी आई हैं तो आप कहीं ना कहीं मून की तरह चमकने वाले हो और दूसरों की मदद मुझे लगता है आपका बहुत हेल्पिंग नेचर होगा जिन्होंने ये चुना है ना उनका बहुत हेल्पिंग नेचर होगा बहुत हेल्प करते होंगे दूसरों की और बहुत पॉजिटिव रहते होंगे अब चूंकि डार्क में चमकना इट्स वेरी पॉजिटिव वा फॉर्च्यून व्हील आया है आपके लिए तो कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है और होने वाला है बहुत पॉजिटिव समय का पहिया बदलने वाला है ठीक है और लक ये, ये का लक शो करता है फॉर्च्यून व्हील चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है खास ये क्रिसमस आपके लिए और क्या लेके आने वाला है ओ तो हो सकता है कुछ जो पुराना था जो भी पुराना था आपका किसी के साथ भी या फिर कोई पुरानी चीज है वो अब खत्म होने, होने वाली है वो जल के राख होने वाली है ठीक है मतलब कुछ पुराना अब जाएगा और इसका ये भी दिखाता है कि कुछ नया आएगा कुछ पुराना जा रहा है और कुछ नया आ रहा है ठीक है दरुफ तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज को लेके तो आप मुझे बताएं वो भी आप सोच लीजिए जैसा भी जो भी क्वेश्चन हो ठीक है यस और नो में आपके मन में कोई सवाल है उसका आंसर क्वेश्चन आप सोच लो तो चूंकि आपके लिए कार्ड यहाँ पे आया है कन्फर्मिटी का जो कि आपके मन में कोई सवाल है तो उसको कन्फर्म कर रहा है ठीक है कन्फर्म कर रहा है ये कार्ड द उन्न और ये कुछ ट्रेडिशनल भी दिखाता है तो हो सकता है आपके लाइफ आपके घर में कुछ आ, हो सकता है कुछ ट्रेडिशनल होने वाला हो अ कुछ कल्चर से रिलेटेड ही हो सकता है हो सकता है किसी की मैरिज होने वाली हो बहुत जल्द राइट right? आने वाले समय में ये भी ये भी ये शो करता है ठीक है एंड अगेन द लवर्स का कार्ड देखिए कैसा इतिफ, इतिफाक सॉरी कोई को जैसी चीजें नहीं होती है स्पिरिचुअल में तो द लवर्स आया है राइट right? तो ये इतिफाक वर्ड तो मैं कभी यूज नहीं करूंगी मैं वैसे यूज भी नहीं करती वो तो अचानक से आज इतना अच्छा कार्ड निकल आया है कि बस दिल से ही ये बात निकलना शुरू गई अचानक से द लवर्स है अटर का लवर सोलम और लाइफ पार्टनर लवर का कार्ड आ गया आपके लिए तो ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है और आपके लिए इतनी प्यारी चीजें आ रही चलिए देख लेते हैं इसमें से भी क्या आ रहा है आपके लिए अब मैं एक्साइटेड हूँ और चीज जानने के लिए आपके लाइफ में और क्या आने वाला है चलिए देखते हैं इसमें से क्या आपके लाइफ में आने वाला है फिलहाल आपका लवर तो आ ही रहा है मनी बैग ओके वन मोर तो पहलेके बुक okay, तो ये लॉक इन की जो जब लवर वाले में आए हैं तो मुझे तो लगता है कि सोलमेट राइट सोलमेट में यहाँ वर्ल्ड भी, हाँ, भी आया है एंड सोलमेट यहाँ दिख भी रहा है एक दूसरे को बैलेंस करने वाले एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ठीक है ठीके? तो कहीं ना कहीं उस तरह की फीलिंग भी आ रही है मनी भी आ रहा है एंड आपके लिए काफी आप में से काफी बहुत येलो एनर्जी रहा पे मनी बैग है और लॉक एंड की भी है एंड बुक भी है जो कि येलो ही है कवर इसका येलो ही है तो बहुत येलो येलो एनर्जी है तो बुक भी है करियर से भी रिलेटेड कुछ चीजें मुझे लगता है गुड फॉर्च्यून उसमें भी आएगा मनी के मामले में फाइनेंस देखेंगे उसमें भी गुड फॉर्चून कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है और प्यार में तो अच्छा आ ही रहा है ठीक है लव चार लवर्स माई गॉट बहुत प्यारा है ये तो ये जो बेल जिन्होंने चूज किया है ये तो बहुत अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिलेगी हर चीज में एंड इस इस कार्ड को देख के डरिएगा मत ये बताता है कि जो पुरानी बिल्डिंग है अब वो जलने वाली है वो खाक होने वाली है और उसकी जगह कुछ न्यू बनेगा तो ये भी एक न्यू बिगनिंग दिखाता है ठीक है जैसे कि डेथ का कार्ड आप लोग सोचते हो कि क्या डेथ का मतलब क्या डेथ हो जाती है किसी चीज की नहीं इसका मतलब न्यू बिगनिंग तो वैसे यह यहाँ भी बर्निंग पे टावर है है ठीक मैं आपको पहले बता दू ये वाला टावर वाला कार्ड नहीं कि टावर हो यहाँ पे बर्निंग टावर है ठीक है इसका नाम ही अलग है इसका कार्ड भी थोड़ा अलग है आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर कैसे पुराना कितना पुराना है ठीक है तो इसकी मीनिंग भी अलग है कि क्या है यहाँ पे जो टावर है जो पुरानी चीज है जो पुरानी जो भी है अब वो सब जल के खत्म होने वाली है अब कुछ नया आपके लाइफ में शुरू होने वाला है स्टार्ट होने वाला है ठीक है ये ये बता रहा है तो किसी चीज की तो कोई चीज ऐसी है जो एंड हो रही है ठीक है और कुछ ऐसा है जो न्यू बिगनिंग अब होने वाली है तो ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो बताइएगा और प्लीज सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दू की आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताना है ठीक है रीडिंग के बारे में बता देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए तो थैंक यू रहेगा ही बट अगर आप आप फ्री uh, रीडिंग चाहते हैं तो आप अपना नाम उसमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जो कि मैं उसमें से ही एक पर्सन को चूज करूंगी और जिसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे उसका नाम भी अनाउंस करूंगी कि वो विनर है और एक पर्सन ही होगा वो और जिसे फ्री रीडिंग मिलेगी और उसमें आप चाहे जितने क्वेश्चन आप चाहो तो पूछ सकते रहोगे ठीक है तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप उसमें नाम डाल दीजिएगा ठीक तो और बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी or thank you so much